Hello, welcome students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture, lecture number 18 और sum number 33. ठीक है? तो अब तक हमने 17 लेक्चर कंसाइनमेंट अकाउंट के कंप्लीट कर दिए हैं, पर अब हमारा लेक्चर नंबर 18 है और सम नंबर 33. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं इम्पोर्टेंट, अगर 5 मार्क में आया तो आया, वरना चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपके प्रैक्टिस के लिए ये सम बहुत अच्छा है. भारती सेंट 750 पेन ड्राइव्स ऑन कंसाइनमेंट टू सोनल एट टोटल कॉस्ट ऑफ 2,62,500. तो टोटल कॉस्ट कितनी है? 2,62,500 है. वो कितने पेन की है? पेन ड्राइव्स की है 750. एंड द प्रोफॉर्मा इनवॉइस कितने का बना? 3 लाख रुपए का. तो टोटल अमाउंट बोला है, आप बस उसको अमाउंट को डिवाइड बाय पेन ड्राइव कर दोगे तो आपका पर पेन ड्राइव कॉस्ट आपको मिल जाएगी. और डिस्पैच गुड्स करने के लिए कंसाइनर ने 11,250 और 11,250 है वो एक्सपेंस है, टोटल उसने किया है, जिसमें 22,50 है वो इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए उसने पे किया है. तो ये तो इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब कंसाइनर का खर्चा कितना था? 11,250. और 75 पेन ड्राइव्स ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी ने 24,638 रुपया क्लेम एक्सेप्ट किया है. और बाकी सोनल ने बाकी जितनी पेन ड्राइव थी वो उसने सेल कर दिया एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस पे ही उसने सेल कर दी. ठीक है? और सेलिंग एक्सपेंस सोनल का कितना है? 4,500 है. और सोनल ने पेड किया, अच्छा पेड द बैलेंस अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कमीशन. 2% कमीशन बाकी सोनल को मिलेगी और उसके बाद जो अमाउंट रहेगा वो सोनल बैंक ड्राफ्ट से भेज देगी. तो सबसे पहले हम एंट्री करेंगे, यहाँ पे आपको बता दे, इन्होंने बोला है प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड सोनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भारती, वो तो हम बना रहे, और भारती अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनल. तो जो सोनल का अकाउंट बन रहा है भारती में उसका ऑपोजिट कर देना, तो वो आपका भारती अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सोनल हो जाएगा. मतलब जो भी यहाँ पे सोनल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ भारती, मतलब आपका क्या हो गया? कंसाइनी अकाउंट. तो जो भी क्रेडिट आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो भी डेबिट आ रहा है उसको क्रेडिट कर दो, तो वो आपका हो जाता है इन द बुक्स ऑफ भारतीय अकाउंट, इन द बुक्स ऑफ सोनल अकाउंट भारतीय अकाउंट. क्लियर? तो यहाँ पे तो दो अकाउंट बने हुए हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट, और मैंने सारे बैलेंसेस लिख के रखे हैं, और जो नहीं थे वहां पे मैंने डैश मार दिया इस तरह से, जो यहाँ पे ये वाले सब में नहीं आ रहे. तो सबसे पहली एंट्री हम क्या करते हैं, सबसे पहली एंट्री करते हैं हम टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. तो 750 पेन ड्राइव है जिसका कॉस्ट प्राइस 400 है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस 3 लाख रुपया है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 750 करोगे तो 400 रुपया. तो टोटल कितना आता है आपका वैल्यू? 3 लाख रुपीस. ठीक है? ये टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट. अब क्या करते हैं, जितना हमने सेंट किया गुड, ठीक है, और वो ज्यादा अमाउंट का रहता है, इनवॉइस प्राइस पे होता है, तो बाकी का जो कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है वो हम सामने रिवर्स कर देते हैं. तो 750 पेन ड्राइव और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, जो उसका डिफरेंस है. तो 750 मल्टीप्लाई 50 कर दो तो 37,500 का डिफरेंस है, वो हम सामने रिवर्स करके एडजस्ट कर देंगे. ठीक है? तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट होती है. उसके बाद कंसाइनर ने कितना खर्चा किया? 11,250, वो हम यहाँ पे 11,250 का एंट्री कर देंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश एक्सपेंस 11,250. उसके बाद 75 पेन ड्राइव ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो चुके हैं तो उसकी एंट्री करते हैं. सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, तो आपको पता होगा एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है. तो 75 पेन ड्राइव मल्टीप्लाई करेंगे 350. क्लियर? जो आपका ये वाला अमाउंट है ना 2,62,500, उसको डिवाइड बाय 750 करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 350. तो 26,250 ये मेरा कॉस्ट प्राइस आया. अब इन ट्रांजिट अगर डिस्ट्रॉय होता है तो सिर्फ कंसाइनर का खर्चा हम प्रोपोर्शनेट प्लस करते हैं, तो 11,250 का कंसाइनर ने खर्चा किया था वो 750 पेन ड्राइव के ऊपर था, तो 75 पेन ड्राइव के ऊपर कितना? तो 1,125 रुपया आता है. तो टोटल आपका एबनॉर्मल लॉस आता है ऑन कॉस्ट प्राइस 27,375, जिसमें से 24,638 इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हुआ, मतलब 27,000
सॉरी 2737 रुपया जो है वो आपका क्या रहा, वो आपका लॉस रहा। क्लियर? तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप बाय एबनॉर्मल लॉस लिखोगे, जो आपका लॉस हुआ 2737, और बाकी का अमाउंट 24,638 है वो क्लेम रिसीवेबल में दिखाओगे, बाय क्लेम रिसीवेबल। क्लियर? तो ये आपका एबनॉर्मल लॉस कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं आगे, उसने रिमेनिंग पेन ड्राइव है वो सेल कर दी इनवॉइस प्राइस पे, तो रिमेनिंग पेन ड्राइव कितनी आती है, 750 पेन ड्राइव है, उसमें से 75 पेन ड्राइव ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गई, तो बाकी 675 पेन ड्राइव बची जो आपने 400 में बेच दी कंसाइनी ने पे और इनवॉइस प्राइस, तो कितना प्राइस आया, 2,70,000। तो सेल अकाउंट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट सेट बाय सेल अकाउंट 2,70,000, और यहाँ पे भी हम करेंगे 2,70,000, और बाकी का लास्ट पॉइंट हमारा बच रहा है ये वाले छोटे से सम में, 2% का कमीशन देना है उसको, किसको, कंसाइनी को। तो बस यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस 2,70,000 का 2% निकालेंगे तो 5,400 का कमीशन कंसाइनी का बचता है, जो कंसाइनमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड शो करेंगे और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड, इस तरह से कमीशन 5,400। अब आपका कंसाइनी में कितना खर्चा किया था, 4,500 का सेलिंग एक्सपेंस किया था, तो वो भी नोट डाउन कर लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड एक्सपेंस करके 4,500, और कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड 4,500। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी सारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर लेते हैं प्रॉफिट को टैली। तो पहले कंसाइनमेंट अकाउंट को टोटल करते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल आपका कितना आता है, आपका कंसाइनमेंट अकाउंट का टोटल आता है 3,37,500 प्लस 2,70,000 प्लस 2,737 प्लस 2,46,38, तो 3,34,875। और उसमें से माइनस कर दो आप 3,00,000 रुपीज, ये 11,250, ये 4,500 कंसाइनी का खर्चा, 5,400 कमीशन, तो 13,725 आपका प्रॉफिट आया कंसाइनमेंट अकाउंट का। इसी तरह से कंसाइनी अकाउंट का देख लेते, बैंक ड्राफ्ट कितना आता है, तो 2,70,000 का सेल है, उसमें से माइनस कर दो दोनों अमाउंट, माइनस 4,500 माइनस 5,400, तो 2,60,100 का आपका बैंक ड्राफ्ट बनता है कंसाइनी का, वो कंसाइनर को दे देगा। तो देख लेते हैं आंसर, 13,725 करेक्ट है प्रॉफिट, और बैंक ड्राफ्ट 2,60,100। तो इस तरह से हमारा लेक्चर नंबर 18 और सम नंबर 33 कंप्लीट होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय।